महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है और कहा कि दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते समय जनता के पैसे का कमीशन खाकर सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता को भेजा जाता था। संभवतः दिग्विजय सिंह को उसी समय की याद आ रही है। साथ ही कहा कि आप पंचायत सचिवों से पैसे लेकर मुख्यमंत्रियों को भेजने का आरोप लगाते हैं, तो वही बताएं पहले वो कि राधौगढ़ नगर पालिका से किले के लिए कितना पैसा जाता है। ऐसा कहते हुए सिसोदिया ने दिग्विजय सिंह पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए। पहले तो राजा दिग्विजय सिंह जी आप ये बताइए कि राघोगढ़ नगर पालिका से कितना पैसा किले के लिए जाता है हर महीने, इसको सार्वजनिक करिए आप, उसके बाद हमसे बात करिएगा। ये परिपाटी जो आपने अखबारों में दी है, ये परिपाटी आपके समय की है। आपके समय में जनता का पैसा इकट्ठा करके आप जब मुख्यमंत्री थे तब सोनिया गांधी को 10 जनपद में जाकर अटैची भर भर के देके आते थे यार, वही सपना आज आपको लगता है। मगर मैं आपको बताऊं, क्षेत्र की जनता सब जानती है कि ये शिवराज सिंह की सरकार है और महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत ग्रामीण मंत्री है। ना तो पैसा खाएंगे और ना खाने देंगे। जिनके पेट में दर्द होता है वो इसलिए होता है कि सबकी दुकानें हमने बंद कर दी है। देखिए, ये परिपाटी माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय ये परिपाटी थी कि जनता का पैसा का कमीशन करके और दिल्ली सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं तक पहुंचाया जाए। तो संभवतः माननीय दिग्विजय सिंह जी को उन दिनों की याद आए।